सही करियर की राह चुनना प्रत्येक छात्र के जीवन में एक निर्णायक मोड़ होता है। कहा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं और उसे पसंद भी करते हैं तो आपको काम बोझ नहीं लगेगा, आप उसे एंजॉय करेंगे। तो युवा छात्र सही करियर की पहचान कैसे करें? स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। करियर के संदर्भ में जो ठान लिया है वो तो करना ही चाहिए, लेकिन लगातार बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को विकसित करना, सभी विकल्पों को देखना भी महत्वपूर्ण है। मोदी जी की माने तो करियर तय करने से पहले अपनी पूर्व धारणाओं से बाहर निकलिए। बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे दूंगा। ये सारी समस्या की जड़ क्या है? ये जड़ ये है कि आप कुछ बनना चाहते हैं। एक बार मन में तय कर लीजिए कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। जब तक बनना चाहता हूं आप सोचते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। आप अपनी स्वतंत्रता को एक प्रकार से समर्पित कर देते हैं, एक प्रकार से आप उस एक पाने के लिए गुलाम बन जाते हैं उसके, और इसलिए आपकी सारी जिंदगी सिकुड़ती चली जाती है। जिंदगी में बनने के सपने निराशा की गारंटी है जी, क्योंकि आपने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बने, समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन घर आने के बाद यार डॉक्टर बनना था नहीं बना, डॉक्टर बनना था नहीं बना, यही रोते रहते हैं। और इसलिए क्राइंग की दुनिया नहीं, ट्राइंग की दुनिया चाहिए, रोते रहना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप कम से कम कुछ करने का सपना देखिए, और करने का जब सपना देखते हैं उसमें से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, नया करने का इरादा पैदा होता है, नया इरादा संकल्प बन जाता है, फिर एक बार आगे बढ़ने का मन कर जाता है, और आप करते चलते हैं और बनते चलते हैं। आपको भी पता नहीं होता है क्या बनने निकले थे, क्यों बनने निकले थे, करते करते ही जो बन गए उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका आपका एक्सपीरियंस की ताकत, उसका आपका कॉन्फिडेंस, इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। और इसलिए मैं आप सभी नौजवानों से आग्रह करूंगा, ये कैरियर नाम का शब्द कुछ बनना तय करके करने से आप गुलाम हो जाते हैं, फिर सारा सोच, दिनचर्या, जीवन, यार दोस्त सब उसी में सिमट जाता है। करने का इरादा होगा तो सारे रास्ते खुल जाते हैं हर प्रकार से। अगर मान लीजिए आपने तय किया भाई मुझे मुंबई जाना है, फिर कार से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, हवाई जहाज से जाऊंगा, चल करके जाऊंगा, दौड़ करके जाऊंगा, साइकिल पे जाऊंगा, सारी स्वतंत्रता खुली रहती है। और इसलिए आप मन में कुछ करने का इरादा रखिए, स्वतंत्रता को एंजॉय कीजिए, वो आपको एक नई ताकत देगी। आज के जमाने में बच्चों और युवाओं के लिए अनगिनत विकल्प और अवसर हैं, असीमित आसमान है, विशाल और विविधता से भरा क्षितिज है। अपने आप को कभी सीमित ना करें। जब करियर की बात हो रही हो तो ये भी जरूरी है कि हम समझें कि असफल होने का मतलब जीवन पूरी तरह से असफल होना नहीं है। वो कहते हैं ना, कर्म योगी अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं और अवसर उनके कदम चूमते हैं। ये तनाव एग्जाम का नहीं है, जो तनाव आप अनुभव कर रहे हैं और जिसको आप एग्जाम का तनाव कहते हैं वो एग्जाम का तनाव नहीं है। वो तनाव आपके अंदर एक मन में एक एम्बिशन पड़ा हुआ है, एक आकांक्षा पड़ी हुई है कि मुझे ये बनना है, उस बनने के लिए ये एग्जाम मेरे लिए जीवन मरण का मुद्दा है। अगर मैं विफल रहा या विफल रही तो आगे के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको एग्जाम की सफलता का टेंशन नहीं है, आपने खुद को एक कैरियर के साथ जो आइडेंटिफाई कर दिया है, मुझे ये बनना है,
बनने के लिए ये रास्ता है, इस रास्ते पर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं शायद जीवन में निकम्मा हो जाऊंगा, ये टेंशन है। बिल्कुल सही। कई बार हमारे मन में सफलता असफलता जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। ऐसा लगता है कि असफलता मतलब सब कुछ खत्म, लेकिन कभी ना भूलें कि जीवन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। लेकिन संभावनाएं तो हैं, पर उनमें से हम किस राह को चुने, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पर इसका सोल्यूशन क्या है? मोदी जी प्लीज हेल्प। माँ एक सुझाव देगी तो पिताजी दूसरा सुझाव देंगे, तो अंकल तीसरा सुझाव देंगे, तो मोहल्ले के दोस्त और चौथा सुझाव देंगे, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूज होने के पीछे एक कारण ये है, हमें अपने विषय में पता है क्या, मेरा अपना पैशन क्या है, मेरी रुचि किस में है, और मैं मेरी रुचि के अनुसार इसके पहले कुछ कर पाया हूं क्या, मेरे सपने क्या है वो बात की बात है, पहले मेरा पैशन क्या है, और उसके बाद आप मां बाप को भी कन्विंस कर सकते हैं। देखिए, आठवीं कक्षा में मैंने इसमें ऐसा किया था, नौवीं मैंने ऐसा किया था, मेरे टीचर मुझे बता रहे थे, उस समय तहसील के अंदर जब कंपटीशन था तो मैं गया था, मैं ये करके आया था। मुझे लगता है कि मेरे भीतर ये ताकत है। कभी हमने अपने टीचर जिसके प्रति हमारा लगाव हो उनके साथ बातें करनी चाहिए, कि साहब आप मुझे 4 साल से पढ़ा रहे हो, मुझे देखते हो, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि टीचर समय नहीं देते हैं, अगर कोई विद्यार्थी टीचर के प्रति आत्मीय भाव से जुड़ता है तो उस टीचर को भी लगता है हाँ इस विद्यार्थी को मैं समय दूं, उसको गाइड करूं, उसको भी लगता है। लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन इस बात का नहीं होता है कि कोई आपको क्या कहता है, मां बाप क्या कहते हैं, आप खुद कंफ्यूज हैं, ये समस्या है। कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको क्या मिलता। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है कि 10वीं या 12वीं के बाद क्या, ये हर बच्चे के मन में होता है, और न मैं इसे इनकार कर सकता हूं और न कोई और उससे इनकार कर सकता। बहुतों के लिए ये सवाल चिंता और निराशा फैलाने वाला हो सकता है। दुर्भाग्य से आज के चकाचौंध भरे युग में सेलिब्रिटी के कल्चर के कारण और उसका प्रभाव होने के कारण स्टूडेंट लाइफ में एक धारणा बन गई है कि जो टीवी पर आता है, जिसकी अखबारों में चर्चा होती है, वैसा कुछ बनना है, वैसा कुछ करना है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन की सच्चाई से ये बहुत दूर है। ये जो प्रचार माध्यमों में 1000-2000 लोग हमारे सामने आते हैं, दुनिया इतनी छोटी नहीं है। इतनी बड़ी विश्व व्यवस्था, इतना लंबा मानव इतिहास, इतनी तेजी से हो रहे परिवर्तन बहुत सारे अवसर लेकर के आते हैं। जीवन की सच्चाई ये है कि जितने लोग हैं उतनी विभिन्नताएं हैं, जितने लोग हैं उतने अवसर भी हैं। हमें अपनी जिज्ञासा का दायरा बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है, उसको विस्तार देने की आवश्यकता है, और इसलिए आवश्यक है कि 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में भी आप अपने आसपास के जीवन को ऑब्जर्व करना सीखिए। आपके आसपास इतने सारे प्रोफेशन है, नेचर ऑफ जॉब्स है, और बदलते हुए नेचर ऑफ जॉब्स हैं। खुद को ट्रेन करिए, अपने स्किल बढ़ाइए और उसका लाभ उठाइए। करियर के चुनाव में एक पक्ष ये भी है कि बहुत से लोग जीवन में
इजी रूट की तलाश में रहते हैं। बहुत जल्दी वाहवाही मिल जाए, आर्थिक रूप से बड़ा स्टेटस बन जाए, ये इच्छा ही जीवन में कभी कभी, हर बार नहीं लेकिन कभी कभी, अंधकार की शुरुआत भी करने का कारण बन जाती है। फिर ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें सपने पालना और देखना जरा अच्छा लगता है, सपनों में खोए रहना अच्छा लगता है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा। अरे ये तो कितना आसान था। मोदी जी के मंत्र कितने सिंपल और यूजफुल हैं। अब टेंशन भी दूर और कंफ्यूजन भी। और बिल्कुल ठीक कहते हैं मोदी जी, जीवन एक अविरत यात्रा है। अपनी अंतः प्रेरणा, रुचियों और क्षमताओं के आधार पर अपने करियर का निर्णय लें और जुट जाएं। सफलता अपने आप आपके पीछे दौड़ती हुई आएगी।